दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये डेप्रिसिएशन चार्ट किस प्रकार बनता है एज पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, और अगर हमने कोई बिजनेस के लिए एसेट परचेज करी है तो उस एसेट की एंट्री परचेज वाउचर में हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं, और उस एसेट पे ईयर एंड पे जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑटोमेटिक जर्नल वाउचर में किस तरीके से बन जाती है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल टेली सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वाउचर के थ्रू हमने एक एचपी लैपटॉप, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए हमने एक लैपटॉप परचेज किया है जो हमारे लिए एक फिक्स्ड असेट बन गया, तो इसकी एंट्री सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी और बाद में इसका डेप्रिसिएशन चार्ट भी बना के देखेंगे। तो दोस्तों, बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे कंप्यूटर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, जो कुछ काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड असेट जो होती है उनके लेज़र ऑटोमेटिक क्रिएट किए होते हैं। अब हमें जो ऑटोमेटिक लेज़र कंप्यूटर का जैसे ऑलरेडी बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना होता है उसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए हम जाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेट टूल पर, इंटरफेस करेंगे, मास्टर हेड पर जाएंगे और उसके बाद में अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो कंप्यूटर्स का चार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम फिक्स्ड असेट्स पे इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट है जो देना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब इसका एनुअल रेट होता है जो डेप्रिसिएशन का कंप्यूटर पर, वो 40% होता है, और जो हाफ ईयर यानी कि जो इसका जस्ट आ जाएगा वो 20%, यानी कि इसका आधा जो 20% हो जाएगा। फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 180 दिन में अगर हमने फिक्स्ड असेट परचेज किए तो 40% डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेशन होगा। अगर हमने सेकंड हाफ के दौरान यानी कि 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च के दौरान कोई चीज़ हमने असेट को परचेज किया है तो उस पर जस्ट हाफ डेप्रिसिएशन लगता है। तो फुल रेट इसका 40% और हाफ 20%, और उसके बाद में जीएसटी टाइप। तो जीएसटी हमें इस इनवॉइस में लगकर आई है तो हम जीएसटी को करेंगे एप्लीकेबल, और उसके बाद में टैक्स कैटेगरी जो इसकी हम जीएसटी 18% देंगे और इसका एचएसएन कोड हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास में आईटीसी के लिए, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कैपिटल गुड्स को, हम कैपिटल गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में जो रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आ रहा है इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, और इस लेज़र को हम करेंगे सेव। तो अब यहाँ तक हमारा जो काम है ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे पहले आपको मैं यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, मैंने किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन इस बुक्स में नहीं करी अभी तक। बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूँ सारी कंप्लीट आपके लिए। तो आप देख रहे हो इसके अंदर अभी भी कोई फिक्स्ड असेट की एंट्री आपको नज़र नहीं आ रही है। तो अब हमें परचेज वाउचर में जाके इस वाउचर की पोस्ट करेंगे, एड पर जाएंगे और सबसे पहले हम डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वाउचर के अकॉर्डिंग 26/2/2021, यानी कि 26 फरवरी 2021। तो यहाँ पर वाउचर नंबर हम लिखेंगे 8547 का, और अब यहाँ पे लोकल परचेज है तो हम लोकल परचेज आइटम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम हमने स्मार्ट कंप्यूटर से ये परचेज किया है तो स्मार्ट कंप्यूटर का लेज़र ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास आएगा आईटीसी एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटल गुड्स को, हमें इनपुट गुड्स नहीं सेलेक्ट करना, कैपिटल गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आइटम का नेम हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया, जैसे कि एचपी लैपटॉप परचेज किया है तो हम यहाँ पर एचपी लैपटॉप के नाम से एक आइटम बनाएंगे। और अब इसका जो ग्रुप्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो करेंगे फिक्स्ड असेट्स, और इसका जो हम ग्रुप अब सेलेक्ट करने वाले हैं इसे हम कर देंगे यहाँ से जनरल, और उसके बाद में यूनिट इसकी हम रखेंगे पीसीएस में, और उसके बाद में टैक्स कैटेगरी इसकी 18% और एचएसएन कोड है यहाँ पर हम इसका दे देंगे, और
इसे हम यहाँ पर रखेंगे। जो प्रोसेस का जो लेज़र हमारे पास यहाँ आएगा, इसके अंदर हम इसको करेंगे यहाँ पे सेटिस्फाई हेयर पे जाके, और इसका जो लेज़र अब सेलेक्ट करेंगे वो कंप्यूटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये फिक्स्ड असिस्ट में लेकर जाएगा इसे। और इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, और इसकी जो क्वांटिटी है वो वन पीस है, और उसके बाद में इसका जो टैक्सेबल रेट है वो हम ये लिखेंगे 29,661 रुपये और 2 पैसे। दोस्तों आपके पास असेस्ट कोई भी हो सकती है, लेकिन जो एंट्री करने का तरीका वो सभी में सेम ही रहने वाला है, 2 पैसे। तो इस तरीके से इसकी जो नेट अमाउंट है वो 35,000 यानी कि 35,000 रुपये कंप्लीट बन चुकी है, और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव, और सारी इन्फॉर्मेशन हम ओके करते हुए इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। तो हम इस परचेज वाउचर को सेव कर दिया, तो हम एक बार बैलेंस शीट ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, और डिस्प्ले पर जाने के बाद फाइनल रिजल्ट्स पर, और फाइनल रिजल्ट्स के बाद में बैलेंस शीट पर, और एंटर प्रेस करेंगे, और इसके आज तक की एंट्री प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमने कंप्यूटर परचेज किया था उसकी 29,661 रुपये और 2 पैसे टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। और अब हम इसको डेप्रिसिएशन चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ये डेप्रिसिएशन का जो मेन्यू आ रहा है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत करेंगे, और उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक रहेगा जो राउंड ऑफ रहेगा, और ओके करेंगे। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कंप्यूटर में ये जो 40% इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर आ गया है। इसकी जो वैल्यू है, अब इसकी जो वैल्यू देख रहे हो, इसके एडिशन है जो सेकंड आपके अंदर ये शो कर रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये सेकंड आपके दौरान ये हमारी परचेज दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने फरवरी मंथ में परचेज किया है, 1 अक्टूबर के बाद की परचेज है, तो ये सेकंड आप में कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 20% के हिसाब से 5,932 रुपये की कैलकुलेशन करेगा। तो ये कैलकुलेशन हमारी आनी चाहिए, तो हम कैलकुलेटर से भी हम इसको चेक करके देखेंगे। 29,661 रुपये 2 पैसे इंटू 20%, तो अब यहाँ पर भी 5,932 रुपये, और इसने जो सारा जो पैसा राउंड ऊपर के 20 पैसे वो राउंड ऑफ किया हुआ है। तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन की एंट्री जो हमारी कैलकुलेशन इसने करी है वो बिल्कुल सही करी है। और अब हमें यहाँ पर चाहिए भी ये जो 5,932 रुपये की जो एंट्री है इसका जर्नल वाउचर ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाना चाहिए। दोस्तों इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पर कोई भी टाइप की डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। आप देख रहे हो इसमें एक्सपेंसेस का हेड है जो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, किसी टाइप की एंट्री अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही हम इस एंट्री को सिलेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ट को, तो ये जर्नल वाउचर की भी एंट्री ऑटोमेटिक ही कर देगा। और इस वाउचर पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 का बटन। तो जैसे हम F4 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास बचे जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर फॉर ऑल काउंट, और उसके बाद में जो जर्नल वाउचर की सीरीज है वो मेन रहेगी, और वाउचर डेट है 31/3/2021 को, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर एंड पे 31/3/2021 को ही कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर है जो ऑलरेडी बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना होता है। और उसके बाद में इसका जो बाय डिफॉल्ट इसका जो नरेशन आ रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड एंडिंग 31/3/2021, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, और इसको हम करेंगे यहाँ से ओके। और ओके करने के बाद में ये दिखा रहा है भी जर्नल वाउचर फॉर डेप्रिसिएशन हैव बीन पोस्टेड सक्सेसफुली, और इसे हम करेंगे ओके। तो अब हम वापस देखेंगे कंप्यूटर का लेज़र ओपन करके, इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, और लेज़र पर जाएंगे। अकाउंट वाइज वन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और हम कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हो ये 29,661 रुपये की मेरी परचेज थी, और ये 5,932 रुपये की डेप्रिसिएशन की जो ये एंट्री है ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पर हो गई है F4 के बटन प्रेस करने से, और ये डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हो ये अभी ये डेप्रिसिएशन है जो 5,932 एक्सपेंसेस के हेड में आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑटोमेटिक ही कर देता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब साथ साथ में जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।